Hi everyone, this is the J Minto Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Hollywood. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा दिखाई दे रहा, एक्चुअली मेरा OBS हैंग कर गया था, मतलब जिस सॉफ्टवेयर पे मैं पढ़ाती हूँ वो थोड़ा सा हैंग कर रहा था इसलिए लेट हो गया. ओके एनीवे, अगर आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है तो बताइएगा, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं. ठीक है, शैल वी स्टार्टेड? ओके वेल एंड गुड, डू शेयर इट वंस. ठीक है, सेशन को एक एक बारी क्या कर दो, शेयर कर दो सो दैट अदर्स कैन आल्सो ज्वाइन अस. ठीक है, ओके वेल एंड गुड, वेल एंड गुड. सो आज किसका किसका क्लर्क का पेपर था, किसी का था क्या क्लर्क का आज एग्जाम? यस यस, बोथ आर एक्चुअली, जैसे हिंदू में क्या करती हूँ आपका अलग से बैठकर कवर करती हूँ, लेकिन वो सेम चीज जो आपकी होती है इकोनॉमिक टाइम्स में अलग से आपकी पीपीटीज में ही लग करके आ जाते हैं क्वेश्चन. तो हिंदू का इसलिए मैं अलग से कर लेती हूँ, आप लोग कहो तो मैं वैसे इकोनॉमिक टाइम्स का भी कर लूंगी, वो ऑलरेडी आपके में रहता है, ऐसे ही दिया रहता है. चलो एनीवे, चलो अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास को. तुम लोगों का पेपर आज कैसा हुआ, किसी का पेपर था क्या आज का क्लर्क वाला? अच्छा, अभी क्या हुआ था, अभी मैंने एक वो करी थी, एनालिसिस करी थी, लेकिन मैं बाद में जैसे क्या हुआ था, मैं आज फ्री नहीं थी, मतलब आज मैं पूरी तरह से फ्री थी क्लासेस से, बट मेरी आई टेस्टिंग थी तो उस वजह से मैं ज़रा आज विजिट की हुई थी अपने डॉक्टर को, तो मैं टाइम नहीं दे पाई थी और मुझे फाइल मिली, मैं एकदम से एक्सप्लेन कर दी, तो देयर वर सम रॉन्ग आंसर्स. ठीक है, उसे मैं खैर करेक्ट करके आप लोगों के साथ में फिर डिस्कस कर लूँगी. पेपर कैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो, एक कांस्टेंट चीज जो होता है वो होता है, मतलब मैं सबके सेशन देखती हूँ, उसमें जाके सब बोलते हैं आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया, आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया, आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया. अगर किसी दिन सारे जीए टीचर बैठ गए ना हड़ताल में, तो तुम लोग समझो कि आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया जो बताते रहते हो. फिर सब बोलते हैं मैम ऐसा है तो अपनी PDF कंपाइल करके दिखा दो जहाँ से आया. भाई यार, मतलब टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, लगे पढ़ाए सब छोड़ छाड़ के तुम लोगों को पढ़ा रहा है, लेकिन कोई इज्जत ही नहीं है उसकी, आपको पढ़ाए कुछ नहीं आया. ये कॉन्स्टेंट है, मतलब सारी पेपर की भड़ास है वो आ करके यहाँ उतरेगी, नहीं आया. ओके, सो जस्ट लाइक कल के सेशन में आप लोग देखो 3358 यहाँ पर देखना, मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था नीति आयोग और SBI की न्यूज, और ये आज क्लर्क के पेपर में पूछा था. अगर तुम लोग जाकर देखो आज क्लर्क का पेपर, तो ये 3358 कल जो मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली है वहां पे मैं आप लोगों को रिवीजन पॉइंट में इस पॉइंट को बता रही थी, नीति आयोग एंड SBI, और आज के पेपर में जो है ये आया था. ठीक है, तो फिर सब बोलते हैं मैम PDF कंपाइल करके दिखा दो. यार अगर मुझे याद हो जाए कि ये सारी PDF से आया था, तो मैं पहले तुम लोगों को बोल दूं ये वाली PDF पढ़ के जाओ यहाँ से आया था. ठीक है, दैट इज जस्ट अ बेसिक थिंग. ठीक है, कि हम लोगों को और थोड़ा सा भी कवर करना है, टीचर्स को भी करना है, लेकिन आप लोग रेगुलर रहो, क्योंकि आप एक चीज ध्यान दो, जब भी आपकी मेंस वाली क्लास शुरू होती है प्री के 10 दिन पहले, तो उसमें 180 150 300 बच्चे आते हैं, एनालिसिस के टाइम पे 400 बच्चे आते हैं, लेकिन डेली करेंट अफेयर्स की क्लास में कितने आते हैं, 30 से लेके 60, ये स्ट्रेंथ होती है. तो यार हम लोग तो इनकी गारंटी लेते हैं ना, जो ये 30 से 60 बच्चे हैं, ये जो बच्चे आए हैं एकदम से उठ करके कहीं से आ जाते हैं, या ये जो एकदम से उठ करके कहीं से आ जाते हैं, इसकी मैं कहाँ से गारंटी ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ. ओके एनीवे, चलो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को, हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ. देखो आज का मोटिवेशन क्या है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल. ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो अपने मिशन में सक्सेसफुल होना और उसे अचीव करना, तो आपको सिंगल माइंडेड डिवोशन चाहिए उसके लिए, आप कंप्लीटली फोकस्ड होनी चाहिए. अगर आप सोच रहे हो नहीं ऐसा, अच्छा जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल, चलो PO भी दे देते हैं, ऐसा है चलो SSC भी दे देते हैं, ऐसा चलो इस बार जो है हम लोग रेलवे भी दे देते हैं, और इस दुनिया में जितने एग्जाम हो रहे हैं सब दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा. नहीं यार, ये देखो अभी तो खैर आपका थोड़ा थोड़ा इसके ट्रेंड पर आ रहा है PO भी आपका, तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो अपना माइंड सेट करना है कि आप किसके लिए क्या अचीव करना चाहते हो, इसको अचीव करके नेक्स्ट गोल सेट करो. तो पहले आपको अपना कंप्लीटली डिवोशन एक तरफ रखना है, आई हैव टू डू दिस, देन ओनली आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट थिंग. ठीक है, तो बहुत सारे नहींयों पे अपने पैर मत रखो, एक पर सवार होकर चलो, और जब हो जाता है वहां पर तब नेक्स्ट पे आप लोग फोकस करो, तब तो जाकर ठीक है. लेकिन शुरू से अगर आप सोच रहे हो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, जैसे बच्चे बोलते भी हैं मैम इसका भी पेपर दे रहे हैं उसका भी पेपर दे रहे हैं, इतने पेपर कहाँ से दे रहे हो यार, क्यों दे रहे हो, मत दो, एक दो बच्चों, और ट्रस्ट मी हो जाएगा अगर आप डिवोशन से लगे हो. बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनकी मैथ्स बहुत वीक थी,
बहुत स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो बीटेक थे, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड है वो बीटेक से थे, लेकिन जितने भी एग्जाम में अपीयर किए, बीएड बैंकिंग, बीएड एनीथिंग, सारे के सारे एग्जाम्स क्वालिफाई। ओके, तो जितने भी बैंक के एग्जाम्स उस साल में हुए थे वो सब क्वालिफाई किए थे। ओके, ही वॉज अ बीटेक स्टूडेंट। मेरी एक और जान पहचान में थे, उनका मैथ्स इतना पुअर था कि अगर कोई बोल दे 33 × 3 कितना होगा तो वो 2 मिनट सोचेंगे, नॉट जस्ट ये ऐसे से बता दे। एंड शी इज वर्किंग इन अ बैंक इज अ पीओ, तो ये सब होता है। ओके, इसलिए फोकस्ड रहो यार, वो लोग फोकस्ड थे, उनका वीक पॉइंट कहाँ था, मैथ्स था, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग इंग्लिश था। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकालो, उसको पकड़ लो, वीक को इतना कर लो कि एग्जाम में कट ऑफ कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है, निराश मत हुआ करो। चलो अब चलते हैं सेशन की तरफ। जिसको आना है, मैथ्स अच्छी है मैम, जी ये खराब है, डोंट वरी फॉर दैट। चलो देखो आज की हमारी क्या हाइलाइट्स हैं। हिमाचल आज मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो थी, लाइक डिमोटिवेटेड थी, कि मुझे लग रहा था मैं ना पढ़ाऊँ आज की सेशन ना लूँ। इंटरेस्ट में अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी यहाँ बैठ के जीए का एनालिसिस करने लगा, तुम लोग के कमेंट देखकर ना वो जाकर कूद जाएगा कहीं, बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगा, भैया ये क्या चल रहा है, सारी मेरी गलती है, छोड़ो भाई ये काम करना, डेली क्लासेस करो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग टीचर्स, ट्राई अटेंडिंग क्लासेस, दैट विल हेल्प। चलो देखो, हिमाचल प्रदेश जो है और हरियाणा सरकार मिलकर के MOU साइन किए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 1000 करोड़ लोन, जिससे कि वो मदद कर सके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इमर्ज किया है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गर्किन और कुकुम्बर इन द वर्ल्ड, ठीक है। देन देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया अपना प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट। प्राजक्ता कोहली ये UNDP की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है। CSIR CDRI साइंटिस्ट ने डेवलप किया है इंडिजिनस RT-PCR किट कॉल्ड ओम फॉर ओमिक्रॉन। FDI इनफ्लो भारत का 26% तक हो चुका है 2021 में, UN की ये रिपोर्ट है। जियो ने पार्टनरशिप करी है फिनिश यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके लिए वो 6G रिसर्च स्टैंडर्डाइजेशन पे वर्क करेगा। फिलैंथ्रोपिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को असम वैभव अवार्ड दिया गया। इंडिया का कुजंगल जो है ये बेस्ट फिल्म अवार्ड पाया है 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। सिटी यूनियन बैंक जो है ये लॉन्च किया है फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड इन टाइप विथ गोकी। तो ये हमारी आज की जो है क्लास हाइलाइट्स हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी द हिंदू भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हिंदू की आपकी डिस्कशन होगी, इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे, ऐसे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप लोग फिर आपके साथ में मैं एंड में इसे भी डिस्कस कर लूँगी, तो ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो मैंने कटिंग भी लगा दी है, साथ में न्यूज़ लगा दिया, जिससे आप लोगों को पता रहे कि हाँ हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ओके, चलो तो अभी चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और आप में से जो भी प्लान कर रहा है कि वो कोई भी मॉक टेस्ट लेना चाहता है, कोई सा भी कोर्स लेना चाहता है ऑलिव बोर्ड पे, यू कैन यूज़ दिस कोड सुष्मिता, ठीक है। इस कोड का आप लोग यूज़ कर सकते हो और इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ऑलिव बोर्ड के किसी भी कोर्स पे, किसी भी मॉक टेस्ट पे, कुछ भी आप अगर परचेज करना चाहते हो। ओके, अच्छा एक और भी चीज़ ये देख लो, आप लोगों के अलग अलग तरीके के वेरिएशन वाले हैं, एक बैंकिंग लाइट एलीट और सुपर एलीट है, इसमें से आपको जो भी लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है वो आप परचेज कर सकते हो। आपका कोड होना चाहिए सुष्मिता, SUSHMIT, ये आपका कोड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और भी चीज़ देखिएगा आप लोग ज़रा, ये आपका फाउंडेशन कोर्स है। अच्छा, मेरी भी क्लास आने वाली है SBI PO के लिए, जल्दी आने वाली है, वो आपकी 7th February से शुरू हो जाएगी, कल परसों में मैं आपको शेड्यूल दिखा दूंगी। बायलिंगुअल होगी, बायलिंगुअल मतलब एक इंग्लिश की अलग हिंदी की अलग, वो आपकी शुरू हो जाएगी 7th February से। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। अगेन योर कोड विल बी व्हाट, सुष्मिता SUSHMIT। इस कोड का इस्तेमाल किया करो, थोड़ा मैडम का सपोर्ट किया करो, ठीक है। ESIC UDC की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, अगेन यू कैन परचेज द कोर्स एंड यू विल हैव टू यूज द कोड सुष्मिता SUSHMIT। मैडम का ये नाम है, इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो मैडम के लिए आएगा कि मैडम आपका कोड इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना कर ले यार, कोर्स वर्स परचेज करते हो तो क्या कोड यूज करोगे मैडम का नाम। ओके, चलो आप चलते हैं सेशन की तरफ। नहीं, द हिंदू जो आता है उसी में से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट
स्टैटिक का आपका जो वेटेज होगा ना, वो वेटेज आपका वही होगा जो करंट का होता है. मतलब स्टैटिक आपका करंट से ही उठा के पूछा जाता है, कुछ नया नहीं करा जाता है. ओके चलो अब जरा मैं गायब हो जाऊं ताकि हम लोग सेशन पे फोकस कर सके. चलो मैं गायब हो गई, तुम लोग डर तो नहीं रहे हो? ओके सो स्टार्टिंग द सेशन, शुरू करते हैं अपनी क्लास को हम लोग. सबसे पहला देखो, हिमाचल प्रदेश ने कौन सी सरकार के साथ में मिलकर के एमओयू साइन किया है आदि बद्री डैम के लिए? मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश. व्हाट इज द आंसर बताइएगा भाई. ओके देखो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, द आंसर विल बी यस, वेरी गुड. ये आपका आंसर होगा हरियाणा, है ना, ये इन्होंने हरियाणा के साथ किया है. ओके अभी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हमने खबर क्या पढ़ी थी, केन बेतवा लिंकिंग, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, तो इसको भी जरा आप लोग याद रखे रहेगा. ठीक है तो ये बस ऐसे ध्यान में आया, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट था. चलो अब हम लोग जरा इस खबर को पढ़ते हैं, फिर बाकी भी दुनिया में जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उनको भी एक बार ही देख लेंगे फटाफट. सबसे पहले देखो, अभी अभी एक एमओयू साइन किया गया था हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच में, ताकि ये लोग कंस्ट्रक्ट कर सकें आदि बद्री डैम को दोनों स्टेट्स के जो बॉर्डर पर है. और इसके लिए जो इन्होंने एलोकेशन करी है ये 213.35 करोड़ की है, ताकि रिजुविनेट किया जा सके सरस्वती रिवर जो कि हिंदू मैथोलॉजी में मेंशनड है. ओके इसके अलावा जरा ये भी ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग कि जो आदि बद्री है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको कंसिडर किया जाता है कि यही सरस्वती रिवर का कहीं ना कहीं ओरिजिन है. ओके जो पानी सोम रिवर से होता है जो कि एक ट्रिब्यूटरी होती है यमुना की, यहाँ ओरिजिनेट होता है आपका शिवालिक हिल से और ये फर्दर स्टोर होगा सरस्वती में. जो एंटायर डैम कंस्ट्रक्शन होगा ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी, और साथ ही साथ में इनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी होने वाले हैं जो वाटर शेयरिंग होगी, इससे इरिगेशन वगैरह में जो है इनकी हेल्प हो जाती है, इसलिए बड़ा बेनिफिट माना जाता है. ठीक है किसकी बात हो रही है, अच्छा सरस्वती आप सभी को पता है, गंगा यमुना सरस्वती ये हिंदू मैथोलॉजी में मेंशनड है, लेकिन ऐसे इनका कोई वो नहीं दिखता है. मतलब आप लोग ये नहीं कहोगे कि हाँ है, तो बहुत पहले हुआ करती थी जो कि अब नहीं है ऐसा बोला जाता है, तो वही इनके रिजुविनेशन पे भी वर्क किया जाएगा ओवरऑल. ठीक है अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो प्रोजेक्ट है ये बेनिफिशियल होगा हिमाचल प्रदेश के 3.92 हेक्टेयर मीटर वाटर पर एनम, साथ ही साथ में ईयर मार्क करेगा स्टेट की ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट करेगा. जो एंटायर फंडिंग होगी वो हरियाणा सरकार की तरफ से की जाएगी. जो टोटल प्रपोज एरिया है 31.16 हेक्टेयर लैंड हिमाचल का है, जो कि इंक्लूड करता है 0.67 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड और 30.49 फॉरेस्ट लैंड. ठीक है तो ये जरा आप लोग याद रखिएगा, आदि बद्री डैम जैसे आएगा आपको ध्यान में आना चाहिए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके इसके अलावा देखिएगा ये जो डैम है इसमें 224 हेक्टेयर मीटर वाटर सोम रिवर का होगा हिमाचल प्रदेश का, जो कि यमुना में आता है नियर आदि बद्री. हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लें तो कैपिटल क्या होता है, शिमला होता है, और समर का दिन धर्मशाला विंटर, गवर्नर आप लोग देख लीजिए और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन रहे हैं अभी तक? हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन थे, एनीवन हु कैन आंसर? नहीं बताओगे? हाँ भाई बताते चलो, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई थी इसलिए मैं पूछ रही हूँ. खैर एक और भी चीज याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट होती है ये होती है 68. कितने की होती है? 68 की होती है. तो मे भी आप लोगों से बाय चांस पूछा भी जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट कितनी होती है, 68 होती है. सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं हरियाणा की, कि हरियाणा में जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे कितनी सीट्स होते हैं, क्योंकि कई बार आता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, हरियाणा की होती है 90 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स. ठीक है किसकी हमने बात करी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके चलो अगर मैं आपसे साथ में अगर थोड़ी सी और ऐसे डैम्स की बात कर लेती हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स है, तो एक चीज याद रखिएगा कि जो पूरे विश्व का टॉलेस्ट डैम, ठीक है टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो ये आपका होता है नूरेक. कौन सा होता है? नूरेक. और ये किस रिवर पर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये आपका होता है वक्ष रिवर. किस पर? वक्ष रिवर. और ये वक्ष रिवर कौन सी कंट्री में है, ये हो जाती है आपकी ताजिकिस्तान. पहले तो इस पॉइंट को सबके सब लोग ध्यान रखे रहना. ओके अब देखो अगर हम लोग सिमिलरली अगला देखते हैं, आपके साथ बात करते हैं, तो अगर आपसे बोला जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा डैम है, तो जो दूसरा सबसे बड़ा डैम है ये है आपका बायहतन डैम. बायहतन डैम इसको जरूर याद रखना, ये अभी न्यूज में था. कौन सा? बायहतन डैम. ठीक है
अच्छा, ये आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, एक्चुअली ये हाइड्रो पावर डैम के लिए माना जा रहा है। किसके लिए? हाइड्रो पावर डैम। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसको कुछ दिन पहले चाइना ने अपने वहां पे अनवील किया था। सबसे बड़ा जो है हाइड्रो पावर डैम में, ये सेकेंड नंबर पर आ जाता है। चाइना ने इसको अनवील किया था। किस रिवर पे ये बायहतन डैम है? आपका जिनशा रिवर। किस पे? जिनशा रिवर। तो ये जरा आप लोग याद रखे रहेगा। ओके, तो ये हमने देखा टॉलेस्ट डैम, नूरेक रिवर, नूरेक है वक्ष रिवर पर ताजिकिस्तान में सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे हाइड्रो पावर डैम जो है ये बायहतन है चाइना के जिनश रिवर पर। ये तो दूसरे नंबर का हमने बताया। सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम जो होता है ये थ्री जॉर्जेस डैम होता है। कौन सा होता है? थ्री जॉर्जेस डैम। तो इसको जरूर याद रखना भाई, ये सब आजकल आप लोगों से पूछा जा रहा है, कोई नहीं जानता है क्या उठाकर पूछ ले। खैर चलो, अगर हम लोग कुछ मिली जुली एक्यूरेसी खराब होने के बाद भी अगर कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन होता है क्या? हाँ देखो, क्लर्क में यही बात होती है क्योंकि वहां पे इंटरव्यू नहीं होता है, तो अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो फिर फाइनल सिलेक्शन तो हो जाता है। ठीक है चलो, खैर अब हम लोग जरा हाल फिलहाल की ऐसे रिलेटेड न्यूज हिमाचल और हरियाणा की कर लें। तो जो चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया था अपना कंगड़ा ऐप और हैम्पर हैंडक्राफ्ट बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप एट धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तो पहले आप लोग याद रखिएगा अपना कंगड़ा। देन हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया था कि एक कमीशन बनाएंगे अपर कास्ट के लिए। मध्य प्रदेश के बाद ये ऐसा करने वाली सरकार है क्योंकि काफी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, तो वही इन्होंने कहा था सामान्य वर्ग आयोग बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश ने क्या कहा है कि ये अपने वहां से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे। कौन से ईयर तक? ये अपने वहां से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देंगे 2024 तक। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा ने अपने वहां पे क्या लॉन्च किया था? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहला ग्रीन एटीएम कहां पर आया था? सबसे पहला ग्रीन एटीएम आया था हरियाणा के अंदर। ये सारे पॉइंट्स को याद रखे रहेगा। ओके चलो, अब जरा अगला देख लेते हैं हम लोग। इनमें से किन्होंने अभी अभी जो है एक लोन लगभग 1,000 करोड़ तक का अप्रूव किया है वेस्ट बंगाल सरकार की, प्राइमरली जो वहां के पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनकी मदद करने के लिए प्रोटेक्शन सर्विसेज के थ्रू? IMF, NDB, AIIB और वर्ल्ड बैंक। व्हाट इज द आंसर? देखो क्या आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी संस्था ने 1,000 करोड़ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया है? व्हाट विल बी द आंसर? द फर्स्ट आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम विजय, स्कोर, सुमित, अभिनीत, अभिषेक, राकेश, अभिषेक, अंशुल, अर्जुन, मेगा, एवरीवन इज आंसरिंग। द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। चलो अब जरा देखते हैं, जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने अप्रूव किया है 1,000 करोड़ तक का लोन वेस्ट बंगाल सरकार के लिए, ताकि ये सपोर्ट कर सके यहाँ पे पुअर और वल्नरेबल ग्रुप जो कि यहाँ के सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड करेगा। जो स्टेटमेंट रिलीज करी गई है स्टेट गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से ये जो है ये जो प्रशासन होगी वहां पे उनकी मदद करेगी, ताकि जो भी व्यवस्था दी जा रही है मेडिकल हेल्प के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए, जो सपोर्ट किया गया एल्डरली डिफरेंटेबल को, इसमें मदद की जाएगी इनकी। जो लोन होगा ये होगा वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव स्टेट प्रोटेक्शन के अंदर, और ये स्ट्रेंथन करेगी वहां की कैपेबिलिटी स्टेट की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जरा आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, खैर अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि अभी जो लोन्स दिए जा रहे हैं, ओके अभी जो लोन्स दिए जा रहे हैं कौन कौन दे रहा है, इंपॉर्टेंट लोन्स कौन कौन से हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में यार आप लोगों को पता है पूछा जाता है ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन। हाँ भी किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी, और थोड़ी सी बातें अगर हम लोग ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ये वर्ल्ड बैंक का हमने देखा, इसके अलावा कुछ और भी चीजों को आप लोग याद रखे रहेगा। अगर आपको ध्यान हो तो ADB, देखो एक दो न्यूज ऐसे रिलेटेड देख लेते हैं। ADB ने $250 मिलियन दिया था भारत के नेशनल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा जरा याद रखे रहेगा वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन दिया था। ठीक है, ये क्यों दिया था? वही नीति आयोग और SBI के साथ मिलकर फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। फिर जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने $40 मिलियन लोन भी दिया था। ठीक है, और ये क्यों दिया था? ये मेघालय हेल्थ सिस्टम के लिए दिया था। किसके लिए? मेघालय हेल्थ सिस्टम के लिए। कितना? $40 मिलियन। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ी सी और बातें कर लें तो वर्ल्ड बैंक ने 770 करोड़ भी दिए थे। अच्छा, ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था असम को, यहाँ का वाटर इनलैंड ब्रेटा करने के लिए दिया गया था। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी और अगर हम लोग बातें कर ले तो वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन भी दिया था
$250 million ओके ये दिया था, जिससे कि हमारे वहां पे लगभग 40 लाख बच्चों की मदद की जा सकेगी उनकी लर्निंग में, ओके 40 लाख स्टूडेंट्स की हेल्प की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोन्स थे जो वर्ल्ड बैंक ने दिए थे, इनको याद रखे रहो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। खैर अगर हम लोग बात कर लें वर्ल्ड बैंक की, तो फाउंडेशन हुई है 1944 में, वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट कौन है, डेविड रॉबर्ट मालपास। अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं किसको दिया गया है, ये वेस्ट बंगाल को दिया गया है। वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग थोड़ी बातें कर लें तो देखो भाई वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पे आपकी लोकसभा की सीट्स होती है 41 और राज्यसभा की सीट होती है 16। ममता बनर्जी जी यहाँ पे थर्ड टाइम है आपकी सीएम अभी चुनी गई है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद आता हो तो जो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वेस्ट बंगाल को 4 स्कॉच अवार्ड दिए गए थे। कौन से अवार्ड दिए गए थे? 4 स्कॉच अवार्ड दिए गए थे। अच्छा ये हम लोग जो देख रहे हैं स्कॉच अवार्ड दिए गए थे, ये क्यों दिए गए थे, इसका क्या रीजन था कि अवार्ड दिए गए थे? तो वेस्ट बंगाल की अपनी जो अलग अलग स्कीम्स थी उसके लिए ये अवार्ड इन्हें ऑफर किया गया था। ठीक है देखो अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि कौन कौन से स्कीम्स थी जिसके जिसके लिए इनको ये अवार्ड किया गया है, सबसे पहले तो याद रख ही रहिएगा आप लोग कि इनका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव है, शिल्पा साथी, ठीक है, ये ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है, इन्हें प्लैटिनम अवार्ड दिया गया था इसके लिए। ठीक है इसके अलावा जो इनका एक ऑटो रिन्यूएबल होता है सर्टिफिकेट एनलिस्टमेंट का, इसके लिए इनको गोल्ड अवार्ड दिया गया था। फिर देखो एक यहाँ पे ई नाथीकरण ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो ई नाथीकरण को जो है 2 सिल्वर अवार्ड दिया गया था। ये पॉइंट्स को तुम लोग ध्यान रख के रहो, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो गई है तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसके साथ में जरा आप लोग और बातों को क्या ध्यान रखिएगा, देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे वहां पे जो भी स्टेट्स होते हैं कहीं कहीं स्टेट में होता है केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेकिन किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। तो वेस्ट बंगाल सरकार ने कहा है कि अपने वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी ऐड करना चाहती है। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का लोअर हाउस होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट का अपर हाउस होता है। वेस्ट बंगाल कही है कि ये भी अपने वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐड करना चाहती है, और इसको ऐड करना है तो याद रखिएगा कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर बनाया जाएगा तो हमारी संविधान के आर्टिकल 169 में मेंशन किया गया है। इनका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है ये हमारे वहां पे जो हमारी आर्टिकल 169 है इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में लिखा है। फिलहाल में कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो याद रखिएगा एक आपका आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, फिर आपका कहां होता है कर्नाटका होता है, एक होती है आपकी तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। वेस्ट बंगाल चाहती है अपने वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर से बनाना। पार्लियामेंट चाहे तो क्रिएट भी कर सकती है और अबॉलिश भी कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ये पॉइंट को सब लोग ध्यान रख के रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो खैर अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ और भी न्यूज थी यहाँ आपके सामने में लिखी हुई है। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में January 11, 2022 को। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था FY 2022 में जो भारत है इसका ग्रोथ फोरकास्ट कितने पे किया गया था, 8.7% पे, लेकिन इसको 8.3% पे और इसको बढ़ाकर 8.7% किया जाएगा FY 2023 तक। ठीक है ये आप लोग देख लेना, रेमिटेंस रिपोर्ट जो बताया जा रहा था, रेमिटेंस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आया है वो भारत में आया है और 87 बिलियन तक है 2021 में। ये भी कहा जा रहा है अगले साल ये 3% तक बढ़ जाएगा और 89.6 बिलियन हो जाएगा। ओके इंडिया के बाद में सबसे ज्यादा रेमिटेंस चाइना, मेक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट में है और इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है ये यूएसए से आता है। यहाँ पे लगभग जो हमारे वहां रेमिटेंस आया है उसमें 20% केवल यूएसए से ही आया था। ठीक है चलो ये इतनी बातें हमने करी, अभी किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी आगे बढ़ा जाए। अब देखो इनमें से कौन से देश ने जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है गर्किन और कुकुम्बर का पूरे विश्व में, इंडिया, यूके, पाकिस्तान, चाइना, बताइएगा। नहीं बताओगे हाँ, अभी अभी हम लोगों ने वैसे भी शुरू शुरू में इस सेशन के उसमें देख लिया था। ओके हाँ इसका आंसर क्या होगा, ये आपका इंडिया है। ठीक है तो जैसी एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था
कि जो घर किन कल्टिवेशन और प्रोसेसिंग है, ये भारत में अगर हम लोग बात करते हैं ना कि ये जो घर किन और कुकुम्बर है, तो इनकी जो कल्टिवेशन प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट है इसको 1990 के अर्ली डेज में शुरू कर दिया गया था, ठीक है, कर्नाटका में, और उसके बाद से इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया था उनके आसपास में, ठीक है। ये भी बताया जाता है कि पूरे विश्व में लगभग जो 15% गर्किन्स होते हैं ये भारत के अंदर ही आते हैं। कहाँ पर? भारत के अंदर ही ये सबसे ज्यादा जो है, देखो खीरा, खीरे हम लोग देखते हैं ना, ये आप लोग फोटो देख रहे होगे, कुकुम्बर गर्किन समझते होगे। तो इनका जो बताया जा रहा था कि पूरे विश्व में जो प्रोडक्शन होती है इसमें जो 15% है ये अकेले इंडिया के ही अंदर होता है। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे गर्किन्स का, जिसने एक्सपोर्ट किया $114 मिलियन तक का एक्सपोर्ट अप्रैल से अक्टूबर की जब लिस्ट निकाली गई उसमें पता चला कि अप्रैल से अक्टूबर में इंडिया ने $114 मिलियन तक का इनका क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट किया था, ओके। साथ ही साथ में अगर हम लोग मीट्रिक टन में देखते हैं तो वो 123846 मीट्रिक टन से इन्होंने किया था। यहाँ पे आपके सामने सारी डेटाज लिखी हुई हैं, तो घबराना नहीं, आपको सब मिलेगा, ओके। 2020-21 में इंडिया ने शिप किया था 223515 मीट्रिक टन कुकुम्बर और गर्किन का, जिसकी वैल्यू थी $223 मिलियन, जो कि बहुत ही बड़ी है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखी रहिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि कब से इनको शुरुआत किया गया है, इनकी शुरुआत हुई थी 1990s से, ओके। शुरू शुरू में ये कर्नाटका तक था, लेकिन अब उनके जो आसपास के स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे भी कर दिया गया है, ओके। इसके साथ में एक और भी बात आप लोग याद रखे रहिएगा कि भारत के अंदर 51 मेजर प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं जो, और एक्सपोर्टिंग कंपनीज होती हैं गर्किन्स के लिए, ठीक है। भारत में अगर हम बात करते हैं जो कल्टीवेशन होता है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू दिया जाता है, 90,000 से 60,000 तक फार्मर्स जो इसको करते हैं, ओके। खैर, अब अगर आपसे और एक दो चीजें पूछ ली जाएं कि फिलहाल में कितने देशों में जो है हम लोग गर्किन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो लगभग 20 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इनका एक्सपोर्ट करते हैं, और जो मेजर डेस्टिनेशन होती है ये होती है नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोपियन कंट्रीज हो गई आपकी, और जैसे कि यूएसए, कुछ ओशनिक कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया आपका, जर्मनी, फ्रांस, इन सब में भी किया जाता है। तो इन केस ऐसे कोई क्वेश्चन आता है उसको आप लोग बता सकोगे कि हाँ कहाँ पे किया गया, ओके। खैर चलो, अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो, इसको देखो, गर्किन्स जो है ये दो कैटेगरीज में आपके एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कुकुम्बर और गर्किन, जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं और प्रिजर्व किए जाते हैं विनेगर और एसिटिक एसिड में। कुकुम्बर्स को प्रोविजनली प्रिजर्व कर लिया जाता है, ओके। 15% तक का प्रोडक्शन जो विश्व का गर्किन का हो रहा है वो भारत के अंदर होता है, बाकी ये आप लोगों के सामने यहाँ पे सारी लिस्ट है कहाँ कहाँ पे किया जाता है, सब आपको दिख जाएगा, ओके। आ जाओ, अब अगर हम लोग थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अभी बताया गया था, एक डेटा आई थी जो कि रिलीज की गई थी कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, इंडिया का जो एक्सपोर्टेड गुड है ये $37.29 बिलियन का था दिसंबर में, जो कि एक महीने के अंदर अभी तक हाईएस्ट देखा गया है, एज डिमांड फॉर आइटम सच एज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, पेट्रोलियम आइटम एंड जेम्स एंड ज्वेलरी कंटिन्यू टू सोर। इंडियाज एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज बाई 37% फ्रॉम द फिगर ऑफ दिसंबर 2020। तो हम लोग पिछले साल के दिसंबर से अगर देखते हैं, जो पिछला अभी ये लास्ट वाला दिसंबर आया, 37% तक इंक्रीज देखने को मिला था। अब यहाँ ये देखो, इंडिया को कहा जा रहा है कि ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर 2050 तक बन जाएगा, ऐसी एक रिपोर्ट आई थी यूके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। तो अभी जैसे सबसे बड़ा इंपोर्टर आपका यूएस होता है, फिर चाइना होता है, इंडिया की रैंक अभी 8th पर है। कहा जा रहा है कि 2030 तक इंडिया की रैंक हो जाएगी 4th पर, और उसके बाद से 2050 तक इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन जाएगा पूरे विश्व का, जो कि सिर्फ चाइना और यूएस के पीछे रहेगा, ठीक है। तो ये भी जरा ध्यान रखे रहना। चलो अगला देखते हैं, इनमें से कौन से बैंक ने लॉन्च किया है प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि ऑफर करेगा इंटरेस्ट 15 बेसिस पॉइंट का इन एडिशन टू इट्स रेगुलर टर्म डिपॉजिट रेट, उज्जीवन, एयू, कैपिटल स्मॉल या इक्विटास, व्हाट इज द आंसर? हाँ ओके, सो देखो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से बैंक ने प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट लॉन्च करा है अभी अभी, तो ये करने वाला उज्जीवन है, ठीक है। आओ देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट, जो कि ऑफर करेगा इंटरेस्ट 15 बेसिस पॉइंट का रेगुलर एसएफबी टर्म्स में। ये जो जनरल एफडी होगा 990 डेज टेन्योर होंगे, 6.75% जनरल सिटीजन को देगा, 7.5 सीनियर सिटीजन को देगा। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट देख लो, मिनिमम अमाउंट इस एफडी की होगी 20 लाख की, और मैक्सिमम अमाउंट 2 करोड़ से कम तक की होगी, ठीक है। तो ये बस आप लोग देख लेना, मिनिमम और मैक्सिमम में भी आप लोगों से बाय चांस इसको पूछ सकता है आगे जाकर के, ओके। बाकी आप लोगों के सामने सब है ही सामने। अगर हम लोग बात कर लेते हैं उज्जीवन की, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है
ये अपना सर्विस मतलब पहली ये क्या था, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की तरह से इन्होंने अपना वर्क शुरू किया था, एक एनबीएफसी की तरह से 2005 में। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस जो है ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूएफएसबी की तरह से कमेंस किया है अपना ऑपरेशन 1 फरवरी 2017 से। एक शेड्यूल्ड बैंक है जो कि इंक्लूडेड है सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 लिस्टेड एंटिटी में। साथ ही साथ अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक है तो उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होनी चाहिए, 5 लाख की है। ठीक है, तो ये जरा आप लोग ध्यान रखो। 30 सितंबर तक देखें तो जो बैंक का प्रेजेंट अक्रॉस प्रेजेंस है ये 24 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज और 248 डिस्ट्रिक्ट में है। हेड ऑफिस कहाँ है, बेंगलुरु में है। फाउंडर सुमित घोष हैं और फाउंडेशन कब हुई थी, 28 दिसंबर 2004। इनिशियली ये क्या था, एक एनबीएफसी था। ओके, अभी अगर हम लोग बात करते हैं फिलहाल के यहाँ के चीफ कौन है, इट्टिरा डेविस। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने रिप्लेस किया था नितिन चुग जी को। ठीक है, अगर हम लोग कुछ और ऐसे रिलेटेड बातें कर ले किसकी, एसएफबीज की, बाकी एसएफबीज की भी, तो सबसे पहले याद रखिएगा कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने कहा था जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है अब ये सब के सब एक एजेंसी बैंक की तरह से वर्क कर सकते हैं। इसकी तरह से एक एजेंसी बैंक की तरह से वर्क कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखे रहो। अगर आपको याद हो, देखो हमने अभी उज्जीवन की बात करी लेकिन बाकी भी एसएफबीज की बात कर लेते हैं, तो याद करो शिवालिक, आपको याद होगा शिवालिक एसएफबी जो है इन्होंने अपने अपने ये जो है ये इंडिया गोल्ड के साथ मिल करके और क्या लॉन्च किया था, इन्होंने लॉन्च किया था लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। ठीक है, लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड इन्होंने पहले तो ये याद रखे रहो। ठीक है, फिर इक्विटास की हम बात कर लें तो इक्विटास क्या किया था, ये महाराष्ट्र सरकार की पार्टनरशिप में और सैलरी वगैरह डिस्टर्ब करने को कहा था, डिसबर्स करने को। सूर्योदय ने क्या लॉन्च किया था, सूर्योदय ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया था हेल्थ और वेलनेस। ठीक है, हेल्थ और वेलनेस अकाउंट सूर्योदय ने लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखे रहो। ओके, इक्विटास जो है ये एसएफबी के साथ में मिल करके, सॉरी इक्विटास जो है ये एचडीएफसी के साथ में मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो ये कुछ अभी हाल फिलहाल की ऐसी न्यूज थी एसएफबी से रिलेटेड, इनको सभी लोग याद रखे रहिएगा। ओके, अच्छा एक और भी चीज को आप लोग ध्यान रखे रहो बच्चों कि जो भी एसएफबी है उसके लिए मिनिमम कैपिटल क्या चाहिए, 300 करोड़ की। ओके, और अगर कोई ऐसा यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो चाहता है एसएफबी में कन्वर्ट होना तो मिनिमम कैपिटल 150 करोड़ चाहिए जो पहले 100 करोड़ थी। साथ में जो है कि अगर इन्हें ये लोग अब एक एसएफबी की तरह वर्क कर रहे हैं तो अगले 5 साल में इनका जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए वो 300 करोड़ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को तुम लोग ध्यान रखे रहो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई यूनिवर्सल बैंक की तरह अपना लाइसेंस चाहता है तो उसके लिए 1000 करोड़ का लाइसेंस चाहिए मिनिमम आपका होना चाहिए। ओके, चलो अब चलते हैं जरा अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सी यूएन एजेंसी ने अपॉइंट किया है प्राजक्ता कोली को अपना पहला यूथ क्लाइमेट चैंपियन। ऑप्शन यूएनडीपी, यूएनएफसीसी, यूएनईपी, अनटैट। व्हाट इज द आंसर, ओके सो आई एम गेटिंग द आंसर्स एज यूएनडीपी, यूएनडीपी, ए। ओके, वेरी गुड। देखो भाई ये अभी जो है हमारे वहाँ पे जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये पार्टनरशिप किए हैं एक लीडिंग कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोहली। आप लोग जानते हो कि मोस्टली सेंस है इनको, है ना, तो इनके साथ में इन्होंने अभी अभी अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है। इनको अपना पहला यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन अपॉइंट किया है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है जहां पे मैक्सिमम यूथ पार्टिसिपेशन होगा क्लाइमेट एक्शन के लिए, साथ ही साथ में मोर सस्टेनेबल फ्यूचर माना जा रहा है क्योंकि कोहली ऑब्वियसली बहुत लोगों को पसंद है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस टर्म्स के लिए और इनको फर्दर रखा जाएगा जिससे कि ये लोग मतलब फोकस कर सकेंगे अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मेंटल हेल्थ, वुमेन राइट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इन सबके ऊपर। ठीक है, हाँ मोस्टली सेन आप लोग देखोगे बहुत फेमस है ये, है ना। तो इनके साथ में यूएनडीपी ने अभी इन्हें पहला अपने वहां पर क्या बनाया है, पार्टनरशिप इनके साथ में करी है और इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन इन्हें अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये जरा आप लोग ध्यान रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्लाइंग बीस्ट और कैरी मिनाती के ऊपर भी, तो भाई यूट्यूब भी देखना शुरू कर दो, पता नहीं क्या क्या आ जाए आप लोगों के वहां पे। खैर देखो,
यहाँ पे आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू G20 पीपल्स क्लाइमेट फॉर 2021 रिपोर्ट, क्लोज टू 67% ऑफ यूथ इन इंडिया कंसिडर क्लाइमेट क्राइसिस एज अ ग्लोबल इमरजेंसी एंड अ वोकल अबाउट प्रिसाइडिंग नीड फॉर अर्जेंट पॉलिसी क्रिएशन एंड चेंज। लेकिन अगर ये आज जाके आप लोग बोल दोगे कि जो है ऐसा ऐसा कुछ है और आप लोग पटाखे कब जलाओ और क्लाइमेट पे फोकस करो, तो लोग कहेंगे ये ज्यादा अपने आप को बन रही है, पढ़ा रही है ना, बनती है ज्यादा, ऐसे होने लग जाता है, सब भगा देंगे बोल के हमें मार के। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। आई लाइक हर, राहुल बेटा ये सब गलत काम है। चलो UNDP के बारे में देखते हैं। देखो UNDP जो है ये भारत में 1951 से इनकी प्रेजेंस है, सभी एरियाज में वर्क कर रहा है। इनका जो प्रोग्राम है ये फुली इंटीग्रेट करता है ग्लोबल विजन कैटालिटिक चेंज। 30 प्रोजेक्ट्स हैं लगभग हर एक स्टेट में, UNDP जो है अपने अलग अलग उस पर वर्क कर रहा है। इसके अलावा यहाँ भी देखो UNDP के फाउंडेशन हुई है 1965 में, फिर हेड ऑफिस न्यूयॉर्क और एडमिनिस्ट्रेटर एकिम स्कैनर, ठीक है, ये जरा आप लोग ध्यान दिए रहना, ओके। अच्छा अब इसके साथ में कुछ हाल फिलहाल की न्यूज है, तो यहाँ देखो जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्पावरमेंट स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक LOU साइन किया था UNDP के साथ में, ताकि ये लोग स्टेट लेवल इनिशिएटिव कोड उन्नति पे वर्क कर सके और जिससे एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ बढ़ सके। फिर ये देख लो पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे ने एक MOU साइन किया है UNDP के साथ, ताकि ये को क्रिएट कर सके भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। इसके अलावा अगर आपको याद हो कुछ और चीजें, तो इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बात कर लें तो इंडिया को जो है यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रीअपॉइंट कर लिया गया है, यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, ठीक है, और ये रीअपॉइंट किया गया इन्हें 2021 से लेकर के 25 तक। इसके साथ में इंडिया को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर भी अपॉइंट किया था 6th term के लिए, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या याद रखना होगा, यूएन को इकोसॉक में भी, अब यूएन का जो इकोसॉक है यहाँ पे भी इंडिया अभी एक मेंबर बना हुआ है, कितने टाइम के लिए, 2022 से लेकर के 24 तक के लिए। इसके साथ में क्या याद रखना होगा, नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, यूएन का ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, तो जरा उसको भी आप लोग ध्यान रखे रहो कि जो नीति आयोग है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में मिल करके लॉन्च की थी, मतलब मिल रही है और फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करने को कही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होंगे, हाँ, ताकि जो हमारा मिलेट मिशन है 2023 तक कंप्लीट किया जा सके, वेरी गुड, ओके। चलो आओ अब देखो इनमें से किन्होंने एक इंडिजिनस RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम बनाया है, ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का टेस्ट किया जा सके, DRDO, CSIR, IT मद्रास, एम्स, व्हाट इज द आंसर। LOU और MOU में क्या डिफरेंस है, देखो यार, मतलब बेसिकली टर्म्स और कंडीशन के बेसिस पे हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो आप लोग मतलब बता दूंगी मैं आप लोगों को, ओल्ड न्यूज भी बहुत थी, अच्छा अच्छा कोई नहीं चलो अभी पढ़ते चलो, अगला पेपर अच्छा होगा, बस पढ़ते चलो लेकिन सही से, ठीक है चलो। क्या, हाँ ओके, तो अब आपसे पूछा गया है किन्होंने ओम डेवलप किया है, ओमिक्रॉन वेरियंट का टेस्टिंग किट है, देखो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका जो CSIR CDRI के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डेवलप किया है RT-PCR ओम फॉर टेस्टिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये जो किट है ये किसी भी द्वारा, मतलब फर्स्ट बाय एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए निकाला गया है, ठीक है, RT-PCR डायग्नोस्टिक में। साथ ही साथ में ये जो किट है इंडिकोव ओम TM इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्पेसिफिक किट फॉर डिटेक्टिंग ओमिक्रॉन इन द एंटायर वर्ल्ड, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा किसने निकाला है। ओम के बारे में बात करें तो यहाँ पे सामने सब लिखा हुआ है कि इट वॉज मेड विद इन 2 months एंड विल कॉस्ट अराउंड ₹150, इट विल गिव द टेस्ट रिजल्ट इन अराउंड 2 hours, ठीक है, 2 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। एक बात बताओ, ओमी श्योर किसने लॉन्च करा था, ओमी श्योर ये किसने लॉन्च किया था, किसी को याद है क्या, नहीं बताओगे, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ओमिश्योर किसने लॉन्च किया था, टाटा, किसी और को याद आ रहा है। चलो खैर ये आप लोग देख लीजिएगा, करंट सिनेरियो वगैरह जो भी है ये आप लोगों के सामने, इसको तुम लोग एक एक बार ही देख लेना, इसमें कोई हमें बहुत डीप में नहीं जाना है। कुछ इससे रिलेटेड न्यूज अगर हम देख ले तो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था भारत का पहला वर्चुअल साइंस लैब चिल्ड्रन अंडर CSIR और ये जिज्ञासा प्रोग्राम, ये जो लैब है ये कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट से पूरे देश भर में, ताकि इनको क्वालिटी रिसर्च एक्सपोजर दिया जा सके अभी से, ठीक है। जो CSIR है
सीरम आप लोगों का क्या बनाता है? सीरम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है ना। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या था, ओमिश्योर किसने बनाया था? CSIR ने एक MOU साइन किया है बिल और मेलिंडा गेट्स के साथ, ताकि वो सपोर्ट कर सके डेवलपमेंट और कंडक्ट और प्रमोट कर सके हेल्थ रिसर्च को भारत के अंदर। ओके, तो ये जरा आप लोग सभी लोग ध्यान रखे रहना। खैर हाँ ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि ओमिश्योर क्या है, ये किसने बनाया है? ये टाटा का कोविड टेस्ट किट था ओमिश्योर, जो कि भारत में पहली बार एक ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, किसने किया था इसको? टाटा की मेडिकल और डायग्नोस्टिक लिमिटेड ने बनाया था। और किसके साथ में टाटा ने मिलकर बनाया था? ICMR के साथ में ही मिलकर के बनाया था। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। खैर, जब भी हम लोग बात कर लेते हैं CSIR की, तो CSIR क्या होता है आपको, आप सभी को पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना। और अगर हम लोग थोड़ी और बातें कर लेते हैं तो ये काम क्या करता है, बेसिकली वही है, मतलब अपने वहां पर ऐसे सारे रिसर्चेस में ये वो होता है, काम करता है। फिर एक बात आती है कि यहाँ पे चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। किसी को पता है हु इज द चेयरमैन ऑफ CSIR? नहीं बताओगे? चलो देखते चलो, ये तुम लोग बता सकते हो हु इज द चेयरमैन ऑफ CSIR, क्योंकि ये 2000 बार तुम लोग पढ़ चुके होगे अब तक। ओके, सेशन के बाद नीचे कमेंट में लिखना हु, ठीक है। इनमें से किन्होंने एक पैक्ट साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑलो फिनलैंड के साथ, ताकि वो रिसर्च और स्टैंडर्डाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटी कर सके 6G टेक्नोलॉजी में? BSNL, Airtel, VI या रिलायंस Jio? व्हाट इज द आंसर? यस, दिस इज द इजीएस्ट फॉर टू आई सपोज, ये आज के लिए मतलब बहुत ही आसान से सवाल आ गया। इसका आंसर क्या है? आंसर है रिलायंस Jio। ठीक है, BSNL से आपको क्या याद रखना होगा, BSNL ने कुछ दिन पहले एक MOU साइन किया था किसके साथ में? ये इन्होंने किया था, ऑलरेडी पिक लगी तभी तो बोलते हैं नहीं बताओगे। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने BSNL ने कुछ दिन पहले इन मार्सैट के साथ में मिलकर के एक पैक्ट साइन किया था, और कहा था कि ये लोग अब शिप्स पे और फ्लाइट्स में ब्रॉडबैंड की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, Airtel TCS के साथ में, टाटा के साथ में मिलकर के साइन किया है 5G टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए। VI ने कुछ दिन पहले 35% शेयर होल्डिंग सरकार को दे दी थी, तो ये इन वजह से न्यूज में थे अभी हाल फिलहाल में ये सारे ही। खैर, अभी इसका आंसर है रिलायंस Jio। आओ देखते हैं, तो जो Jio प्लेटफॉर्म है, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑहलो के साथ में। Jio की एस्टैब्लिशमेंट अक्टूबर 2019 में हुई थी, और ये रिलायंस का एक सब्सिडरी है। जो Jio है ये और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑहलो कोलैबोरेट करेंगे, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट की जा सके एरियल स्पेस कम्युनिकेशन, होलोग्राफिक बीफॉर्मिंग, 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो कोलैबोरेशन है, इसमें फर्दर एक्सटेंड Jio की 5G कैपेबिलिटीज जो है उसको की जाएगी, जिससे जो भी एक्सप्लोर किया जा सकता है यूज केसेस इन द 6G एरा में, किस तरह से उसका एक्सपोजर का किस तरह से यूज किया जा सकता है। फिलहाल में जैसे Jio है, भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन है, ये लोग डेवलप कर रहे हैं लोकली रेलेवेंट 5G यूज, ठीक है, ताकि 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम जो कि सरकार द्वारा अलॉट किया गया था उस पर वर्क किया जा सके। एयरटेल और VI ने फर्दर पार्टनरशिप किए, ताकि ये इंटरप्राइज प्लेयर्स के साथ में मिलकर के 5G केसेस को ला सके। ओके, खैर, अब आप लोग ये भी देखिएगा कि Jio ने ये भी कहा है कि अपने होम ग्रोन 5G स्टैक जो है इसको एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन मार्केट में, जैसे ही ये डिप्लॉय और टेस्ट कर लिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान देना, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन अपनी 5G स्टैक को फर्दर सप्लाई करने वाला है, तो ये आपका Jio ने कहा है, ये ऐसे करने वाला है। ओके, चलो, खैर, ये आपके सामने बाकी चीजें लिखी हुई हैं। अगर रिलायंस Jio से हम लोग बात कर ले कुछ और, अच्छा, एक चीज अगर आपसे पूछी जाती है, विश्व की पहली 6G सैटेलाइट कौन लॉन्च किया था? विश्व की सबसे पहली 6G सैटेलाइट कौन लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था चाइना ने, ठीक है, ये चाइना ने लॉन्च किया था। अच्छा, Jio से अगर हम लोग याद करें, तो Jio पहली कंपनी है जिन्होंने अपने वहां पे UPI ऑटो पे लॉन्च करा है। क्या किया है? UPI ऑटो पे पहली बार Jio ने लॉन्च किया है। फिर Jio गूगल क्लाउड के साथ में मिलके 5G टेक पे वर्क करने को कही थी, इसके साथ गूगल के साथ में मिलकर के 5G टेक पे वर्क करने को कही थी। ओके, इसके अलावा अगर आपको याद हो, तो जो Jio है ये आपका अंडरसी केबल नेटवर्क पे वर्क कर रहा है। किस पे? अंडरसी केबल नेटवर्क पे, जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन एरियाज में क्या किया जाएगा, जो अंडरसी नेटवर्किंग है उसको अच्छी की जाएगी, जिससे इंटरनेट प्रोडक्शन अच्छी की जा सके ऐसी एरियाज में। ओके, इसके अलावा अभी आपकी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल रिपोर्ट आई थी, याद होगा आपको, कौन सी? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 की रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में जो है Jio की क्या पोजीशन थी,
जियो जो है ये आपका फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड था ग्लोबली। ठीक, चलो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी हाल फिलहाल से रिलेटेड आपकी जियो की, जो आपको याद रखनी होंगी। इसके अलावा यहाँ आपके सामने बाकी चीजें भी लिखी हुई हैं। ओके, अगला देखो। अभी हाल फिलहाल में किस इंडस्ट्रियलिस्ट को असम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव से जो है नवाजा गया है? ऑप्शन देखो, अजीम प्रेम जी, राहुल बजाज, गोपी चंद हिंदुजा, रतन टाटा। व्हाट इज द आंसर? एनपीसीआई के साथ में मिलकर किया था यूपीआई ऑटो पे। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका रतन टाटा। ठीक है, आओ देखो, जो रतन टाटा जी हैं, अभी असम की सरकार ने इन्हें ऑनर किया है। फिलेंथ्रोपिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी को स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव 2021। ओके, बिकॉज इनकी बहुत बड़ी वहां पे आप लोग कह सकते हो। थैंक यू सो मच। तो अभी जैसे आप लोग देख सकते हो, बताया गया था किस तरह से यहाँ पे जो है कैंसर इंस्टीट्यूट इन्होंने बनवाया है, क्या क्या किया है, वो सब ध्यान में रखते हुए इन्हें अभी अभी अवार्ड दिया गया है, असम वैभव अवार्ड। इसके अलावा जो बाकी विनर्स थे, रतन टाटा जी को असम वैभव दिया गया था, लवलीना बोरगोहेन जी, प्रोफेसर दीपक चंद जैन, कमलेंदु देव क्रोरी, लक्ष्मण एस और नील प्रांत बरुआ, इन्हें असम सौरव अवार्ड मिला था। इसके अलावा मुनिन्द्र नाथ नगाते, बसंत हजारिका, मनोज कुमार बसु मात्रे, आकाश ज्योति गोगोई, हेमो प्रभा जोतिया, दरिनदर बोरो, नमिता कालिता, कोर सिंह कैरा और ये बाकी नाम आप लोग देख लीजिएगा, इन लोगों को असम गौरव अवार्ड दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा। असम के आपके गवर्नर कौन है? ये हैं आपके जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा जी हैं। असम जो है यहाँ पे दो नए नेशनल पार्क बने थे, रायमोना और देहिंग पटकई, अगर आपको याद हो। इसके साथ ही असम में अब टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क हो चुके हैं 7, जो कि हमारे पूरे कंट्री में थर्ड हाईएस्ट है किसी भी स्टेट के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश और अंडमान में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बात आप लोग ज़रा ध्यान रखे रहिएगा सभी लोग, कि यहाँ पे जो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था, उसमें से राजीव गांधी जी का नाम हटा के सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, तो इसको भी सब लोग ध्यान रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा असम से रिलेटेड और अगर हम लोग कुछ बातें कर लें तो अच्छा, यहाँ पे हमने एक और नाम देखा था अजीम प्रेम जी जी का, है ना? अजीम प्रेम जी जी को एक अवार्ड मिला था, आपको याद होना चाहिए, इसका क्या नाम था? एडा एस स्कूबर ओरेशन अवार्ड। ओके, तो ये जरा आप लोग याद रखे रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एडा एस स्कूबर ओरेशन अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, असम के साथ में अभी 770 करोड़ का पैक्ट साइन किया था आपकी वर्ल्ड बैंक ने वाटर इनलैंड के लिए, इसको भी ध्यान रख के रहो। फिर असम ने अपने वहां पर बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क शुरू करा है, बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क, और ये इन्होंने मंदर दिसा विलेज, कहाँ? मंदर दिसा दीमा हसाओ, यहाँ पे लॉन्च किया था 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में। अच्छा, इसके अलावा असम की हम बातें कर लें तो जो असम सरकार है इन्होंने अपने वहां पर टीम पार्क भी शुरू किया था, ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो खैर, अब देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा है, अभी एडीबी ने अप्रूव किया है $112 मिलियन ताकि स्किल एजुकेशन जो है ये स्ट्रेंथन किया जा सके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ असम स्किल यूनिवर्सिटी। फिर असम जो है ये टी पार्क खोल रहा है चायगांव कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं जरा हम लोग अगला। इनमें से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज रिसेंटली वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ऑप्शन देखो, कुजंगल, सनी, मिन्नल मुरली या जय भीम। व्हाट इज द आंसर? ओके, फर्स्ट आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम अर्जुन, ही इज आंसरिंग कुजंगल। एनीवन एल्स? ओके, अमन, अभिषेक, सुमित, अमन, राकेश, अदनान, कृष्णा, सभी लोग बता रहे हैं कुजंगल, मनीष। यस, द आंसर विल बी कुजंगल। ओके, चलो तो अभी रिसेंटली कंक्लूड किया गया था 20th ढाका। देखो, जब हम लोग ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये जो है ये आपका बायनियल होता है। क्या होता है बायनियल? बायनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार होने वाला। शुरुआत इनकी हुई थी 1992 से, लेकिन 1995 में इनको बायनियल बना दिया गया था। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब ये आपका जो है 1992 से हो रहा है हर साल। इसमें फिल्म कैटेगरी देती है, टोटल नंबर ऑफ फिल्म यहाँ पे 13 होती हैं और इनकी लैंग्वेज इंटरनेशनल होती है। तो अभी रिसेंटली इसको कंक्लूड किया गया था 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को।
इंडियन मूवी कुजंगल को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन कैटेगरी में। इस फिल्म को पीएस विनोद राज जी द्वारा किया गया है। इसके अलावा चार और भी इंडियन एंट्रीज थी जो कि 17 अवार्ड्स जो उसमें इंक्लूडेड थी। ओके और बेस्ट एक्टर और अदर अवार्ड देख लो। इंडियन एक्टर जयसूर्या वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर रंजीत सरकार डायरेक्टेड फिल्म सनी। साथ में इधर देखिएगा आप लोग, अगला देख लो। फर्दर द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर अवार्ड वॉज गिवन टू इंद्रनील रॉय चौधरी एंड सुगाता सिन्हा फॉर इंडिया बांग्लादेश फिल्म मायर जोंजल। इसके अलावा आप लोग देख लीजिएगा, मूवी को डायरेक्ट किया गया था इंद्रनील रॉय चौधरी जी के द्वारा। फिर इधर देखिएगा फिल्म सेम खोर, इसको सिलेक्ट किया गया था ओपनिंग फिल्म ऑफ इंडियन पैनोरामा। ठीक है, तो ये जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है। फिल्म सेम खोर किसमें थी? ओपनिंग फिल्म थी इंडियन पैनोरामा 2021 की 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखे रहेगा, हो सकता है उठा के पूछ लिया जाए। नेपाल के एन्या जाल को पुताली जो कि डायरेक्ट की गई है सुजीत बिदारी, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया था। ये थोड़ा डिफरेंट नाम है, इसको याद रखे रहेगा। ठीक है, ओके, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? चलो ये देख लो आप लोग विमेन्स मेकर सेक्शन में, और बांग्लादेशी फिल्म्स ये आपके सामने, इसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो खैर ये आपके सामने उससे रिलेटेड कुछ न्यूज थी। असम की बात हम लोग अगर कर लें तो देखो असम जो है अभी, सॉरी असम कह रही हूँ, बांग्लादेश की अगर हम लोग बात कर लें तो बांग्लादेश से सबसे पहले ये याद रखे रहो कि बांग्लादेश के आपके नोबेल लॉरेट है मोहम्मद यूनुस, अगर आपको याद हो। ठीक है, मोहम्मद यूनुस जी थे, तो ये जो मोहम्मद यूनुस जी हैं इनको इस बार ओलंपिक लॉरेल दिया गया था। क्या दिया गया था? ओलंपिक लॉरेल। ठीक है, इसके अलावा एक और भी बात देखिएगा, यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे, इनको अभी अभी किसमें ऐड किया गया है? इनको ऐड किया गया था एनडीबी के नए मेंबर्स में। इसके बाद इजिप्ट को भी ऐड किया गया था। फिर जो शेख हसीना जी हैं, ठीक है, कौन है शेख हसीना जी? शेख हसीना, तेरे बिना मुश्किल है मेरा जीना। तो ये जो शेख हसीना जी हैं इन्हें एसडीजी अवार्ड दिया गया था इस बार का। भारत और बांग्लादेश मिल करके कहे हैं कि हर साल 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएंगे। ठीक, इसको भी ध्यान रखे रहना आप लोग। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश ने 5 MOU साइन किया था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का था। ओके, फिर आपको याद होगा मैत्री सेतु एक ब्रिज है, मैत्री सेतु ये कहां से कहां तक का है? ये होता है आप लोगों का त्रिपुरा से लेकर के बांग्लादेश तक का। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका बनाया गया था फेनी रिवर के ऊपर, इसको भी ध्यान रखे रहना। ठीक है, हाँ भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें और थी। चलो अगला देख लेते हैं। कौन से बैंक ने लॉन्च किया एक फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड गोकी के साथ में? गोकी कार्ड तुम लोग आजकल देखते हो कि 6 दिसंबर को कहा जाएगा। हाँ, अब आपसे पूछा जा रहा है कौन से बैंक ने एक फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया था गोकी के साथ में, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखो, फेडरल, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और सिटी यूनियन। व्हाट इज द आंसर? एसबीआई। पीओ रिजल्ट्स आउट। ओके ओके, वेल एंड गुड। तुम लोगों को ऐसे धक धक हो रहा होगा। ओके हाँ हो रहा है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखो आपसे पूछा जा रहा था, इसका आंसर होगा आपका सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, क्या होगा? सिटी यूनियन बैंक। हाँ हाँ हाँ, आ गया है रिजल्ट, आ गया है। बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया है। चलो खैर कोई नहीं, चलो पहले इसको देख लेते हैं फिर उधर भी मूव करेंगे। देखो सिटी यूनियन बैंक जो कि सबसे पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से है, इन्होंने अभी अभी स्मार्ट टेक एनेबल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म गोकी के साथ में मिलकर के और एनपीसीआई के साथ में मिलकर के एक वेयरेबल पेमेंट सॉल्यूशन कप फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अब यहाँ देखिएगा जरा, जो कस्टमर है वो इस रिस्ट वॉच को होल्ड कर सकते हैं पीओएस डिवाइस के सामने जब वो पेमेंट करें। ठीक है, लाइक टैपिंग द कार्ड, तो वो इसको होल्ड कर सकते हैं, हो जाएगा आपका। जो भी पेमेंट्स 5,000 से ऊपर, देखो कहीं भी अगर आप लोग देखो तो POS में विदाउट पिन आपकी केवल और केवल 5,000 तक। जैसे ये जो वेयरेबल डिवाइसेस होते हैं ये आपको बेसिकली टैप करना होता है। ठीक है, तो टैप करोगे आपकी पेमेंट अपने आप हो जाती है वहां पर। अब क्या है, बोला जा रहा है
कि ये जो पेमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है यहाँ पे आप लोग जाकर के उसे टैप करोगे, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अगर लेकिन 5000 से ऊपर की आपकी पेमेंट है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको अपना पिन एंटर करना होगा, वो आपका कॉन्टेक्टलेस नहीं होता है। इंट्रोडक्टरी प्राइस जो यहाँ पे स्मार्ट वॉच डेबिट कार्ड की है ये 3499 की है कंपेयर टू एन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 6499। अब ये तो नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो खैर ये आप लोग देख लेना, आपके सामने काफी कुछ उसके उससे रिलेटेड लिखा भी हुआ है। ओके चलो आ जाओ, अब हम लोग जरा अपनी हिंदू की पीडीएफ को देख लेते हैं, एक बारी छान लिया जाए उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को। ये आ गया हमारा हिंदू, और हिंदू में देखो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके 10 मिनट का पावर पैक सेशन होता है, तो सबसे पहले तो ये देखो ये आपका पेज नंबर 4 था रीजनल सेक्शन में से, और इधर आप लोग देखिएगा पहले तो स्टेट के बारे में दिखाया गया था, फिर ये था आपका चोला एरा ब्रॉन्ज आइडल को कैसे जो है यूके से, यहाँ आपके सामने लिखा है 30 साल पहले ब्रॉन्ज आइडल लॉर्ड नटराज की जो कि 12th century CE को बिलोंग करते थे, ये लंदन से हमें वापस दिया गया था, और इसमें जो आई विक्टिम थे ये आपके कौन थे, आर नागास्वामी जी थे जिनकी अभी कल डेथ हुई है, तो उन्हीं की डेथ हुई थी, उनके बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ था, नटराज स्टैचू एंड एवरीथिंग। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैंने लगा दिया ताकि आप लोग उसे देख लो एक बारी। ओके फिर अगला आ जाओ इधर देखते हैं हम लोग। देखो अब इधर हम लोग अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा कि अभी अभी जो है बताया गया है कि कोविड की वजह से हम लोग के वहाँ की जो ओवरऑल एक्टिविटी थी ये 20% तक कम हो गई है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक ये पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर ये एक इधर पॉइंट था ये काफी इंपॉर्टेंट था, इन दोनों को अपन लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा ये आपका कौन सा पेज नंबर है, ये आपका पेज नंबर है 14 बिजनेस का, इस पे कुछ आज इंपॉर्टेंट था, इसको देखो यहाँ लिखा हुआ था कि इंडिया जो है ये $300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो जाएगा 2026 तक। ओके देखो लिखा जैसे हुआ है कि इंडिया कैन अगेन 300 बिलियन कैन मेक $300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स बाय 2026। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जो है इंडिया को कहा जा रहा है, अभी अभी एक आपकी चैलेंजेस काफी सारी पैंडेमिक की वजह से आया है, तो उसमें बताया गया है कि इंडिया जो है ये अचीव कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन $300 बिलियन का 2026 तक। हमारा टारगेट इससे पहले अच्छा था, हमारा टारगेट दूसरा था कि $400 बिलियन तक हो जाएगा 2025 तक, लेकिन पैंडेमिक आने की वजह से देखा गया है कि अब जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्शन है ये $300 बिलियन तक रहेगी 2026 तक। ओके और एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है किसके द्वारा, मीटी के द्वारा रिलीज किया गया है, इंडिया सेल्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के द्वारा, इसमें इन्होंने बताया है। हालांकि इन्होंने कहा है कि जो रिड्यूस टारगेट है इसका अभी भी हमारा एम है कि 400% तक इंक्रीमेंट हो सके हमारे करंट लेवल से, जो भी हमारा लेवल है उससे 400% तक लेवल हमारा बढ़ सके, ठीक है। एडिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैड ग्रोन फ्रॉम $37.1 बिलियन इन 2015-16 टू $67.3 बिलियन इन 2020-21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे तैसे मत छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सब देख लेना। ओके आओ अगला आप जरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आपके सामने एक और चीज लगी हुई थी जो स्विगी है, ठीक है। स्विगी ने $700 मिलियन इन्वेस्टको लेड फंडिंग में अभी रेज करे हैं, तो आओ इसको देख लेते हैं। स्विगी ने बताया है कि अभी इनके नए इन्वेस्टर हैं। देखो सबसे पहले तो इन्होंने $700 मिलियन न्यू फंडिंग में रेस करा है जो कि इन्वेस्टको द्वारा लीड किया जा रहा था। जो राउंड है यहाँ पे पार्टिसिपेशन था नए इन्वेस्टर का जो आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ओवरऑल $700 मिलियन रेस किया है। वो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी हाल फिलहाल में जो है किसने इतना रेस किया है या यहाँ के CEO कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके तो ये मैंने इसलिए सारी चीजें यहाँ लगा दी हैं क्योंकि इससे ज्यादा आपसे इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले अपन लोग देखते हैं। फिर ये देखो TI यानी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा है कि ये 350 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे क्लीन मोबिलिटी के अंदर। ये तो बिकॉज अभी आप लोग देखते होंगे लगातार क्लीन ग्रीन एनर्जी बहुत ज्यादा फोकस में रहता है, तो हो सकता है यहाँ से सवाल आ जाए। तो देखो जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये आपका इधर था पेज नंबर 14 की अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका था, इसको देख लेना तुम लोग। जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे एक नया अपना सब्सिडियरी और एक्विजिशन करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर फर्म का ताकि परस्यू कर सके क्लीन मोबिलिटी बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 350 करोड़। द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट सब्सिडियरी एंड एक्विजिशन ऑफ अ कंट्रोलिंग स्टेक इन सेलेशियल विल एनेबल द कंपनी टू ब्रिंग रिक्वायर्ड फोकस टू द इमर्जिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। कौन क्यों यहाँ के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो आपके सामने है MAM अरुणाचलम, ठीक है, इनको ध्यान देना एक बारी। ओके चलो अब हम लोग अगला देख लेते हैं। तो ये आपकी आज स्पोर्ट्स वाले पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है।
स्पोर्ट्स वाले पेपर सेक्शन में 15th पेज है, ओके तो ये आप लोग पहले देख लेना। आजकल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी को लेके बड़ी बात होती रहती है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनका नाम वमिका है, दुर्गा जी के नाम पे रखा गया है, और हो सकता है आपको एग्जाम में फोटो देख के पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी उनकी फोटो है, क्योंकि उनको बहुत छुपाया जाता है। इधर देखो, स्मृति जी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार ही दिया गया है। सबसे पहले देखो, इंडिया की स्मृति मंधाना और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी जी को ICC वुमेन्स और मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन कौन विनर्स हैं, तो इधर देखो, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेचल हेहो फ्लिन ट्रॉफी जिसको कहा जाता है, ये स्मृति मंधाना जी को दिया गया, ये इंडिया की है। आप लोगों को याद हो तो इन्हें इंक्लूड किया गया था ICC वुमेन्स T20 जो वुमेन टीम ऑफ द ईयर था उसमें भी इनको लगाया गया था, है ना। फिर देखो, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी इसको कहते हैं, ये भी याद रखे रहेगा, इसको क्या कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है, ये शाहीन अफरीदी जी को दिया गया, पाकिस्तान के हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जो रूट को दिया गया, इंग्लैंड के हैं। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेन में बाबर आजम पाकिस्तान के, वुमेन में लिजल ली साउथ अफ्रीका की। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेन मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, वुमेन टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड, अंपायर ऑफ द ईयर मारियास एरास्मस साउथ अफ्रीका। तो ये सारी चीजें आपके सामने है, इसको ध्यान दिए रहना, ओके चलो। फिर इधर देखो, यहीं पे आपके सामने इधर ये भी था, कहाँ, यहाँ पे नीचे था, इंडिया जो है ये सेमीफाइनल में चली गई है वर्ल्ड कप शॉट में। तो देखो अभी जो है गुरजीत कौर और मोनिका और ज्योति, इन लोगों ने काफी, ये लोग डिफेंडिंग चैंपियन रही हैं, और सिंगापुर को अभी अभी इन्होंने हराया है वुमेन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल में ये लोग पहुंच गए हैं, ओके। और ओवरऑल 4 टीमें जो कि पहुंचे हैं। हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट क्या करना था कि ये जो आप लोगों का ये जो ये 4 टीम है जो इस साल के वर्ल्ड कप में को होस्ट कर, जो जाने वाली हैं 4 टीम जो कि क्वालिफाई की हैं, ये वर्ल्ड कप में जाएंगी, जो कि को होस्ट किया जाएगा स्पेन और नीदरलैंड के द्वारा। किसकी, हॉकी की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने इसे लगा दिया, हो सकता है आपसे वेन्यू पूछ लिया जाए उसका, उसको ध्यान दे रहना, ओके। फिर यहाँ पे देखो भाई, अभी आप लोगों को याद होगा ये ब्रेंडन टेलर काफी न्यूज में चल रहे थे, इन्होंने कहा है कि मुझे जो है 2019 की बात है, एक इंडियन बिजनेसमैन ने अपने वहां बुलाया, ड्रिंक दिया और कोकेन दिया, मैंने उसको ले लिया, $15,000 मुझे ब्राइब ऑफर किया जा रहा था मैच फिक्सिंग के लिए, फिर उन्होंने एक वीडियो बना दी और उस वीडियो को जो है उससे मुझे ब्लैकमेल करने लगे। तो अब ये बात इन्होंने इसका खुलासा किया ICC के सामने, तो ICC ने कहा है कि इंस्टेंट किया जाता है, तो भले हम लोग नहीं कुछ करें लेकिन आपने बहुत लेट कर दिया ऐसा करने में, तो इनके ऊपर बैन एंड एवरीथिंग उसकी बात हो रही थी। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ब्रेंडन टेलर कौन सी टीम के होते हैं, जिम्बाब्वे के होते हैं, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर अगर हम लोग याद करें डोपिंग वाली बात, तो जो एंटी डोपिंग वायलेटर्स में इंडिया की रैंक 3rd थी, 152 ऐसे केसेस थे 2019 के, ओके। सबसे ज्यादा डोपिंग जो थी आपकी रशिया में थी, रशिया के बाद से आपकी इटली में थी, और 3rd इंडिया में थी, याद होगा आप लोगों को, है ना। फिर देखो, लखनऊ की जो आपकी टीम है राजीव गोयनका जी की, उसका नाम अभी इन लोगों ने अपने एंड से शुरू किया था, नाम बनाओ नाम कमाओ कॉन्टेस्ट, और नाम सजेस्ट करने को कहा गया था, जो अपनी इनकी नई टीम होगी उस टीम का नया नाम क्या रखा गया है, लखनऊ सुपर जायंट, ठीक है। ये किसकी है, ये आपकी संजीव गोयनका जी की ग्रुप है, इन्होंने लखनऊ की टीम को लिया था और इसका नाम क्या है, लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट आज से रिलेटेड न्यूज थी, जो आप लोग ध्यान दे रहना, ओके। खैर, अगर आपको लगता हो कि हाँ देखो, जैसे आज हमने ये पढ़ा, तो अभी मैं मतलब जो मेरे एंड से है, जो मैं आपको कल कराऊंगी, वो IPL से रिलेटेड थोड़ी और डिटेल्स होंगी, ठीक है। एक तो ये करा लेंगे हम लोग यहाँ पर, ओके। और बाकी जो मुझे और लगता है, एक और चीज वो थी आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, इनको रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीजें कल हम लोग जरा ज्यादा कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, तो सेशन को लाइक कर देना। अगर आपको लगता हो कोई भी कमी है, तो वो भी आप बता सकते हो कि सेशन में क्या कमी है, किस पे हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है। बिसाइड जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, वो हैव बीन सिलेक्टेड, ओके। तो मैं उनकी कोशिश करूंगी कि संडे में इस बारी जो है इंटरव्यू करा दूं, ताकि आप लोग देख सकें उनकी क्या अप्रोच रही है, बिकॉज अभी अभी सिलेक्शन हुआ है। लास्ट ईयर ही वॉज सिलेक्टेड इन क्लर्क एंड नाउ ही इज इन ही इज अ POSBI ओनली, ओके। सो नेम इज नवीन उपाध्याय एंड आई विल ट्राई कि उनका जो यहाँ पे मैं पूरा इंटरव्यू करा लूँ, ओके। बिकॉज मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं बस वही देख रही थी किसके किसके मैसेजेस आ रहे हैं। एनीवे चलो, थैंक्स एवरीवन। एंड ऑब्वियसली अभी आपका रिपब्लिक डे आने वाला है, तो उसके लिए एडवांस में हम सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू पीपल, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।